साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुँच गईं। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा दानियाल राठौर से। जी दानियाल, बताइएगा नवाज शरीफ की तबीयत अब कैसी है? आज बिल्कुल नवाज शरीफ की अगर तबीयत की बात की जाए तो जेल मैनुअल के मुताबिक मामूल का उनका चेकअप किया गया। जेल और समेत जो है जो पीआईसी के जो कॉडी के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनका चेकअप किया है और नवाज शरीफ की जो तबीयत है वो बेहतर है। कुछ ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और जबकि मरियम नवाज जो है उनकी साहबजादी उनसे मुलाकात करने के लिए कोट लखपत जेल पहुँच चुकी हैं। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनके ज़ाती मालिक डॉक्टर अदनान और जो वकील हैं ख्वाजा हारिस वो भी पहुँचे हैं और मुलाकात जो है कुछ देर कबल जो है शुरू हो चुकी है। जबकि कारकुनान की एक तादाद हमें देखने को नज़र आ रही है। सोशल मीडिया के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से अपनी तरफ से कॉल दी गई जो इजहारी यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और जबकि पार्टी की जानिब से इनको मना किया गया था कि 23 मार्च आज कौमी रोज़ है, आज के रोज़ जो है मुलाकात आज जो है एहतजाज ना किया जाए, मगर आज जो है खवातीन जो है लीगी खवातीन यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मरियम नवाज़ की तो मरियम नवाज़ ने गुज़श्ता रोज़ धमकी दी थी कि अगर उनसे उनके वालिद से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो वो बाहर जो है धरना दे देंगी और जब तक इजाज़त नहीं दी जाएगी तब तक जो है कोट लखपत जेल के बाहर ही मौजूद रहेंगे। जबकि गुज़श्ता रात जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग नून ने जो एडिशनल महकमा दाखिला को खत लिखा था उस पर जो है इजाज़त दे दी और अब जो है मरियम नवाज़ वालिद से मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। जी ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए मरियम नवाज़ कोट लखपत जेल पहुंच गई हैं, वहां पर कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद है।